दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन ने किस तरीके से शानदार बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के खेमे को अपनी तूफानी अंदाज से उड़ा दिया और किस तरीके से भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन शुरुआत करी और क्या है इस मुकाबले की हाईलाइट्स, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन और रोहित शर्मा में से कौन विस्फोटक बल्लेबाज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पहले मुकाबले को हारने के बाद दूसरे मुकाबले में इस सीरीज को बराबरी करने के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच एक सांस रोक देने वाला मुकाबला हुआ, जिसमें सबसे पहले इस बार भी साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवुमा ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। तो साउथ अफ्रीका में दो बदलाव देखने को मिले और सबसे पहले भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन मैदान पर आए और भारतीय टीम की शुरुआत थोड़ी खराब रही, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने पहले ही ओवर में अपना खाता खोल लिया और अपनी टीम के 3 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लग गया, जिसमें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर रबाडा के शिकार हो गए और रबाडा की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ऑन द ड्राइव शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में केशव महाराज के नाम का रोड़ा आ गया और महाराज के हाथों 4 गेंदों पर केवल 1 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ पवेलियन लौट गए। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करी, लेकिन उन्हीं के कारण खराब क्षेत्र रक्षण के चलते मुकाबला भारतीय टीम हारी थी और इस मुकाबले में उनके द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिलने की उम्मीद थी। और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी सभी खिलाड़ियों के ऊपर से गैप ढूंढकर एक शानदार चौका जड़ दिया और दूसरे ओवर में 8 रन भारतीय टीम ने बटोर लिए। तो वहीं तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रबाडा दोबारा से आए और रबाडा से साउथ अफ्रीका के कप्तान विकेट निकलवाने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाज खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम को दूसरा झटका जल्दी लगने वाला है, क्योंकि तीसरे ओवर की 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं आया और श्रेयस अय्यर रन लेने के लिए छटपटा रहे थे और मात्र ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन आया और ओवर में भी कुल 1 ही रन देखने को मिला। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी कराने के लिए एनरिक नॉर्क्यू आए और ओवर की दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने अपनी पहली बाउंड्री और इस मैच के पहले छक्के के रूप में फ्लिक शॉट खेलते हुए जड़ा और इन्होंने अपने इरादे साफ तरीके से जाहिर कर दिए और दिखा दिया कि पिछले मुकाबले में जहां से उन्होंने बल्लेबाजी छोड़ी थी, वहीं से मुकाबले में प्रारंभ कर रहे हैं। तो वहीं एक गेंद के बाद फिर से एक शानदार पीछे की तरफ एक करारा छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 13 रन आ गए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वेन पार्ने लाए और ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने बल्ले से आग उगलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इस ओवर में 6 रन आए और पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए ड्यूएन प्रिटोरियस आए और पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने उनका छक्के के साथ स्वागत किया, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन का 28 रनों के नीचे स्कोर पर पार्नेल ने कठिन कैच छोड़ दिया। तो वहीं ओवर में 11 रन आए और इसी के साथ पावर प्ले में 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने बना दिए हैं और भारतीय टीम की शुरुआत ठीक ठाक रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।